वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम विद उजाला। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो हॉल। एंड इस हॉल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ कुर्ती सेट। कुछ तो नॉर्मल कुर्ती सेट है एंड कुछ जो है ना वो सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड भी है, तो वो भी देखते हैं मुझे किस तरह से रिसीव हुए हैं। एंड गाइज, इसमें मैंने एक फुटवेयर भी लिया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्राइस वाइज सही है। एंड जो सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड कपड़े भी जो मुझे रिसीव हुए ना, वो भी काफ़ी अच्छे रिसीव हुए हैं। सारे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। एंड गाइज, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल फ्री है। एंड पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे भी हिट कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दे। गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ग्लैम विद उजाला, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे फर्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, ये फुटवेयर है, कुछ इस तरह से रिसीव हुई है मुझे, बहुत अच्छी पैकेजिंग में आई है। एंड कहीं से भी ये टूटी फूटी नहीं है, लाइक जो कार्टून पैकेजिंग होती है ना, ज्यादातर जो फुटवेयर की पैकेजिंग होती है कार्टून में ही होती है। एंड वो जो है ना आने में थोड़ी सी मुड़ जाती है, बट में कुछ भी नहीं हो, आप देख सकते हो बिल्कुल सही है ये। एंड फुटवेयर जो है ना वो कुछ इस तरह की आप देख सकते हो, टैन ब्राउन कलर में है। एंड बहुत ही खूबसूरत सी इसकी हील्स है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ फ्रंट में ना थोड़ी सी डिटेलिंग की गई जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है सी। एंड ये वाली जो पोर्शन है ना, ये वाली, ये आप देख सकते हो काफी स्पंजी है, तो पहनने में आपको काफी कंफर्टेबल होने वाला है, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने वाला। एंड इस पे जो MRP है ना 999 लिखी हुई है, बट ये मुझे 500 समथिंग में मिल गई है। एंड इसकी जो हील है ना वो मैं आपको दिखा दूँ, 3 इंच से थोड़ी सी कम है और पहनने में ये काफ़ी कंफर्टेबल है। मैंने पहनकर भी देखा है इसे, लाइक अभी ट्राई ऑन में, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो अगर आपको भी अच्छी लग रही हो ना तो आप बिल्कुल लेना, इसकी कोड आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करना। नेक्स्ट जो कुर्ती सेट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, ये अवनीत कौर ने पहन रखा था। एंड ये कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हो पर्पल एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है। एंड ये जो है ना स्कर्ट एंड कुर्ती का सेट है, जिसमें आपको बॉटम जो है ना इस तरह की स्कर्ट मिल जाती है, बॉटम में बहुत ही अच्छी मटेरियल है। बट ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है ये। एंड यहाँ ना आप देख सकते हो इस तरह से गोटा पट्टी लगी हुई है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। एंड नीचे में और भी अच्छी सी गोटा पट्टी लगी हुई है, बट कुर्ती है ना वो ऊपर से रहेगी। कुर्ती जो है ना वो कुछ इस तरह की आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा वर्क किया गया है फ्रंट में, आप देख सकते हो फेक मिरर के वर्क हैं, टेसल्स हैं एंड थोड़े से थ्रेड वर्क भी हैं, आप देख सकते हो। इस तरह का कॉलर नेक है, इस तरह का कॉलर नेक है। एंड ये जो है ना ऑल ओवर प्रिंटेड है, इसमें 3-4 स्लीव्स दिए गए हैं। एंड गाइज, इसमें जो है ना डबल एक्सल अवेलेबल थी, इसलिए मैंने डबल एक्सल साइज में इसे लिया है। मैं पीछे पिन करके आपको दिखा दूंगी। एंड आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह की है। एंड इसकी जो लेंथ है ना वो नी लेंथ तक आएगी आपको, मेरी हाइट 5'5" है, तो उस अकॉर्डिंग आप सोच लेना आपको किस तरह से ये आने वाली है। एंड बैक एंड फ्रंट दोनों में आप देखोगे ना तो सेम ही वर्क है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है यहाँ। एंड इसकी सिलाई आप देख सकते हो, इस तरह की सिलाई है, बहुत ही अच्छी इंटरलॉकिंग के साथ है। एंड ये जो है ना साइड स्लिट के साथ आती है, आपको इसमें फ्रंट स्लिट नहीं मिलती या फिर अनारकली टाइप की नहीं है, तो मुझे ये दोनों सेट काफी अच्छी लगी। 600 समथिंग की है, एग्जैक्ट प्राइस मैं डाल दूंगी स्क्रीन पे, आप देख लेना। तो मुझे प्राइस वाइज काफी अच्छे लगे, बिल्कुल कॉटन मटेरियल है, इसे आप इजिली समर्स में भी वेयर कर सकते हो। तो इसकी कोड मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये कुर्ती सेट है, इसमें आपको दुपट्टा भी मिलता है। एंड ये जो कुर्ती है ना ये आपको 4-5 कलर्स में मिल जाएंगे। मैंने जब लिया था ना तो सिंगल कलर अवेलेबल थी, बट अब इस पे ढेर सारे कलर्स अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है, बहुत ही सुंदर है गाइस। पहले मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ जो सिंगल कलर में है एंड बहुत ही कम डिटेलिंग के साथ, बहुत ही सुंदर सा कुर्ती सेट है ये। एंड आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह की है कि पीच कलर में है, ये फुल स्लीव के साथ आती है, बट स्लीव से बट इसकी स्लीव जो है ना वो ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ आप देख सकते हो स्लीव पे बहुत ही सुंदर से वर्क है, यहाँ पे ना पर्ल के वर्क दिए गए हैं एंड लेस लगी हुई, बहुत ही सुंदर लग रही है। एंड दूसरी साइड भी आपको सेम लेस मिल रही है स्लीव के ऊपर, आप देख सकते हो इस तरह से। एंड ये कुर्ती जो है ना वो आपको साइड स्लिट के साथ आती है, एंड साइड की जो स्लिट है ना इस पे भी आप देख सकते हो इस तरह के पर्ल के वर्क हैं, बहुत ही सुंदर सी डिटेलिंग है गाइज, आप देख सकते हो
सी इस तरह की आपको लेस लगी हुई है एंड इसमें आपको इनर का कपड़ा भी मिलता है क्योंकि मैंने आपको स्लीव्स का कपड़ा दिखाया ना, वो ट्रांसपेरेंट है तो बॉडी में आपको इनर का कपड़ा मिल जाता है एंड ये जो वर्क है ना वो दोनों साइड से है, फ्रंट से भी एंड बैक से भी आप देख सकते हो, बैक में भी इस तरह के वर्क है। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी कुर्ती एंड इसकी मटेरियल भी काफ़ी अच्छी है, लाइक जॉर्जेट है बट अच्छी वाली जॉर्जेट है एंड आप देख सकते हो यहाँ आपको इस तरह की सिलाई मिल जाती है, इंटरलॉकिंग के साथ है। इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, मेरी साइज एम थी इसलिए मैंने एम लिया है, आपकी जो साइज हो ना आप वो साइज ले सकते हो एंड इसके साथ आपको कोई प्लाजो रिसीव नहीं होता, पैंट रिसीव होती है। आप देख सकते हो इस तरह की पैंट है, बहुत ही अच्छी मटेरियल है, पॉलिस्टर मटेरियल है पैंट की एंड यहाँ आप देख सकते हो इसकी सिलाई, इसमें इंटरलॉकिंग नहीं है, आप देख सकते हो इस तरह से सी इंटरलॉकिंग नहीं है एंड ये जो है ना सिंपल पीच कलर में है, इसमें कोई भी डिटेलिंग नहीं है, लाइक इसमें कोई भी पर्ल का वर्क नहीं है एंड इसकी जो दुपट्टा है ना गाइस इतनी ब्यूटीफुल है मैं क्या बताऊँ, मतलब ये दुपट्टा इतना ज़्यादा सुंदर है ना कि कुर्ते पे कुर्ता जो सिंपल है ना उसको ये बिल्कुल ही कवर कर देता है। आप देख सकते हो दुपट्टा जो है ना गोल्डन कलर में नेट का दुपट्टा है एंड इस पर आप देख सकते हो इस तरह के वर्क हैं, सी बहुत ही सुंदर से वर्क किए गए हैं इस पर, स्लीव्स पे वर्क थे ना लेस की वैसी वर्क है एंड पर्ल लगे हुए हैं एंड बीच में ना आप स्टार शेप्स में बने हुए हैं, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर 2.5 मीटर का दुपट्टा है एंड इसे जब आप लेते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है एंड काफ़ी हेवी दुपट्टा है, लाइक नॉर्मल दुपट्टा नहीं है गाइज, 1000 रुपीज़ की ये कुर्ती सेट है, ये बहुत ही सही लगी मुझे, मुझे इसकी जो वर्क है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए तो इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आपको भी अच्छी लग रही तो आप भी ले सकते हो, इसके भी कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करना। नेक्स्ट जो कुर्ती सेट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना ये ग्रे कलर की कुर्ती सेट है एंड ये जो है ना 3 सेट में है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह का प्लाजो है इसका ग्रे कलर में, इस तरह की इलास्टिक है एंड इसमें जो है ना इस तरह से सिलाई है सी इंटरलॉकिंग दी गई है एंड प्लाजो का जो बॉटम है ना वहाँ आप देख सकते हो इस तरह के लेस के वर्क दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है एंड इसमें आपको कुर्ती मिल जाती है ग्रे कलर की, आप देख सकते हो इस तरह से एंड इस पर गोल्डन पैटर्न बने हुए हैं, गोल्डन ग्रिड्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो राउंड नेक के साथ है एंड इसमें आपको इस तरह की स्लीवलेस ये मिलती है एंड इसमें कोई भी अलग से स्लीव्स इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इसके ऊपर एक आउटर दी गई है एंड ये आप देख सकते हो अनारकली डिज़ाइन में है, बॉटम में आपको गोटा पट्टी का वर्क मिलता है आप देख सकते हैं, इसकी फ्लेयर भी ना काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा आपको फ्लेयर मिल जाती है इसकी एंड इसकी जो सिलाई है ना ये आप देख सकते हो इस तरह की सिलाई है, इंटरलॉकिंग के साथ है जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे, इसकी जो आउटर है ना वो बहुत ही खूबसूरत है गाइस, आप देख सकते हो ग्रे कलर में है एंड इसके ऊपर इस तरह के लाइंस बने हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हो स्लीव्स पे इस तरह की गोटा पट्टी लगी हुई है एंड फ्रंट में ना आपको इस तरह की टाई करने के लिए दी गई है एंड डोरी पे इस तरह के लटकन्स बने हुए हैं कपड़े के ही जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये, अगर आपको भी अच्छी लग रही हो तो आप ले सकते हो, इसकी भी कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना इसे करिश्मा तन्ना ने पहन रखा था एंड इसकी प्राइस 1800 समथिंग थी और जिस तरह से मुझे रिसीव हुई है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप देख सकते हो पैकेजिंग तरह की है एंड प्राइस वाइज मुझे मटेरियल भी काफी अच्छी लगी। इसमें जो है ना आपको प्लाजो और कुर्ती का सेट मिलता है जिसमें कुर्ती जो है वो सीमी स्टिच है, वो आपको सिली हुई नहीं मिलती है एंड आप देख सकते हो प्लाजो कुछ इस तरह की इलास्टिक आपको इस तरह से मिल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत सी ना बिल्कुल चटक पिंक कलर होती है ना वैसी पिंक कलर मिलती है आपको इसमें एंड यहाँ बॉटम में आप देख सकते हो जड़ी वर्क के साथ ना थोड़े से सीक्वेंस का भी वर्क है जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रही है एंड इसमें आपको इस तरह का इनर भी मिल जाता है, इनर भी काफ़ी अच्छी है एंड इसकी सिलाई आप देख सकते हो इस तरह की सिलाई है, इंटरलॉकिंग नहीं की गई है इसमें एंड दोनों साइड सेम वैसी ही वर्क है, आप देख सकते हो इस साइड में भी आपको सेम वर्क मिलता है, तो जो प्लाजो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे एंड कुर्ती जो है ना वो आपको सेमी स्टिच मिलती है, आप देख सकते हो इस तरह से आपको कुर्ती मिलता है एंड इस पर नेक पे आप देख सकते हो इस तरह का वर्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्क है एंड जो स्लीव्स है ना इस पर भी आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा वर्क है, सी इस तरह से बहुत ही सुंदर लगता है, इस तरह से सीक्वेंस एंड जरी का वर्क किया गया है एंड ये सिल्वर थ्रेड से की गई है, पिंक के ऊपर सिल्वर थ्रेड बहुत ही अच्छी जा रही है
एंड बॉडी में आप देख सकते हो इस तरह का लाइंस बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसी पिक्चर में थी ना बिल्कुल वैसी ही है, बस यही है कि इसे आपको अपने साइज में स्टिच करवानी पड़ेगी, सिर्फ कुर्ती को प्लाजो को नहीं। ओके, इसकी इनर आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, इनर के कपड़े भी काफी अच्छे दिए गए हैं। तो ये कपड़ा जो है ना थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, चंदेरी मटेरियल में है, ये इनर का कपड़ा इसमें लगने वाला है। एंड इसकी जो बैक पोर्शन है इसमें कोई भी वर्क नहीं है, आप देख सकते हो बैक जो है वो बिल्कुल सिंपल है, तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये सिलवाने के बाद। तो आप इसे एक बार लेकर स्टिच करवा कर जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है आपको। तो इसकी भी कोड मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए की फॉर वॉचिंग गाइज।